दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रिंकू मौर्य है और आप सभी का इन्वेस्टिंग विद मौर्य जी चैनल के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। SBI का बेस्ट म्यूचुअल फंड, लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर SBI का कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड बताइए। वैसे तो सभी म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं, किसी को बुरा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आप उस फंड के बारे में पूरी जानकारी न ले लें तब तक किसी को भी बुरा कहना ठीक नहीं है। तो वैसे SBI के सभी फंड बेस्ट होते हैं, लेकिन उसी में से एक बेस्ट फंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप SBI के इस बेस्ट म्यूचुअल फंड में 500 रुपये महीने की SIP करते हैं तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,80,000 रुपये होगा। अब इसके बदले में आप 35 लाख रुपए तक का यहाँ पे रिटर्न कमा सकते हैं, और जो इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो है 31.91%। तो क्या हमें म्यूचुअल फंड में इस रिटर्न को देखकर, यानी 31.91% के रिटर्न को देखकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर हमें 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करने बदले में 35 लाख रुपये मिल सकते हैं इसे देख के इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, कहीं भी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले करके तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। तो एक फंड को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न यहाँ पे मायने नहीं रखता है दोस्तों। तो आज इस फंड के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी देखनी है, केवल इसी फंड में नहीं, किसी भी फंड को आप जब सेलेक्ट करने जाते हैं आपको ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जो कि आपको हेल्प करे कि आप एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, SBI का जो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसके नाम को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर SBI का जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है SBI का फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी फंड के बारे में आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फंड मैनेजर को खुली छूट है। किस बात के लिए? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, या आपके पैसे को अपने पर्सनल यूज़ में लाने के लिए? दोस्तों, सेबी की एक गाइडलाइन है कि यदि आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसे को आप मैनेज कर रहे हैं, AMC को गाइडलाइन दी गई है मैनेज कर रहे हैं, तो मिनिमम 65% कहाँ जाना चाहिए? इक्विटी में जाना चाहिए। अब इक्विटी में सेबी ने ये नहीं कहा है कि आपको पैसा लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में कितना रखना है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को एक खुली छूट हो जाती है कि वो मार्केट के कंडीशन के अनुसार वो चाहे तो 100% लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसे को डाल दे, या फिर उसको लगता है कि भाई मिड कैप वाला सेक्टर अच्छे से चल सकता है तो मिड कैप वाले स्टॉक्स में 100% डाल दें। यदि उसको लगता है कि नहीं, स्मॉल कैप में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो 100% पैसे को रख सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को यदि आप चूज़ करते हैं तो उसमें सेबी की तरफ से गाइडलाइन है कि मिनिमम 65% तो पैसा आपका मिड कैप में स्टॉक्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, मिनिमम जो है 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब ऐसे में यदि मार्केट क्रैश करता है तो फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर और स्मॉल कैप फंड के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है इन्वेस्टर्स को? दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वांट का स्मॉल कैप फंड ओपन किया हुआ है, पिछले एक महीने का हम यहाँ पे रिटर्न देख रहे हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस प्रकार की गिरावट आपको डरा देती है और आप फंड से बाहर हो सकते हैं। इसलिए ये जो फंड मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान समझ करके आप इन्वेस्ट मत करिएगा। यदि आपका व्यू 5 साल के ऊपर, मैं तो कहता हूँ 10 साल के ऊपर का व्यू है, तो आप ऐसे फंड को कंसीडर कर सकते हैं। एक महीने के यदि इस फंड का रिटर्न देखें तो इसने -2.92% का रिटर्न दिया है, यानी कि 3% माइनस में रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर फंड मैनेजर को सेबी ने तो बोल दिया है कि भाई आपको बाध्यता है, आपके ऊपर बाउंडेशन है कि 65% आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंड मैनेजर बाध्य हो जाएगा, यदि ये मार्केट गिर भी रहा है ना तो उस परसेंटेज को कम नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से उठा के मिड कैप में डाल देगा या फिर लार्ज कैप में डाल देगा, उसको मिनिमम 65% मेंटेन करना ही करना है, तो वो लॉस आपको झेलना पड़ता है। भले वो बाद में आगे चल के वो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका पैसा निगेटिव में जाता है तो आपको थोड़ी परेशानी होने लगती है। वहीं पे यदि SBI के फ्लेक्सी कैप फंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर को आज़ादी है कि भाई मार्केट गिर रहा है,
पहले से आप जो है रिसर्च कर लो, पहले से फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आप कर लो। आपको लगता है नहीं क्रैश करने वाला है स्मॉल कैप, आप पैसे को उठा करके लार्ज कैप में शिफ्ट कर दो, आप जो है मिड कैप में से उठा करके आप स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को आज़ादी होती है। तो देखिए यहाँ पे फंड किस तरीके से मैनेज हो रहा है, एक महीने में यहाँ पे स्मॉल कैप जहाँ 3% डाउन है, वहीं पे फ्लैक्सी कैप फंड 1.02% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये होता है फ्लेक्सी कैप फंड। आपके पैसे को फंड मैनेजर सही तरीके से वो क्या करता है, मार्केट के कंडीशन के अनुसार इधर उधर रोटेट करता है, जिससे कि आपको मार्केट में यदि इस तरीके से गिरावट भी होती है तो आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे SBI फ्लेक्सी कैप फंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फंड का हमने NAV चार्ट ओपन किया हुआ है। ये फंड 2013 में डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आया था, वैसे ये फंड काफ़ी पुराना है, 2005 से ये फंड रेगुलर प्लान में मैनेज हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट प्लान 2013 में सभी फंड डायरेक्ट प्लान में आए थे। तो 2013 में इसकी NAV 18 रुपये की हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों इस फंड की आप परफॉर्मेंस यहाँ पे चार्ट से आप देख सकते हैं, इसमें बीच में गिरा है उठा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे NAV कितने की हो चुकी है, 106 रुपये की हो चुकी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पैरामीटर होता है कि भाई यदि किसी व्यक्ति ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, NAV तो दिख रही है, तो क्या उस व्यक्ति का पैसा बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज इंडेक्स वाइज कंपेरिजन SBI स्मॉल फ्लैक्सी कैप फंड के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये SBI की फ्लैक्सी कैप वाली लाइन है, ये जो है इंडेक्स फंड वाली लाइन है, और ये जो है नॉर्मल जो कैटेगरी है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी उसकी लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI फ्लैक्सी कैप में जिसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था आज से 10 साल पहले 2014 में, तो उसका पैसा बना है 54,039 रुपये, इंडेक्स में 46,593 रुपये बना है, और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 16,451 रुपये बना हुआ है। तो आप इस फंड की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि 10,000 का 54,000 रुपये बन रहा है, यानी कि हमारी जो NAV है 18 रुपये से 106 रुपये वाली वो जस्टिफाइड हो जाती है। इसके बाद NAV जो बढ़ रही है उसके पीछे दूसरा रीजन होता है परसेंटेज का, कि भाई किस परसेंट से रिटर्न निकल करके आ रहा है, जिससे कि हमारी NAV क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। क्योंकि मार्केट जो है पिछले 10 से 12 सालों में कितनी बार गिरा है उठा है, अब ऐसे में फंड जो है किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहा है कि हमारा जो रिटर्न वहाँ से निकल के आ रहा है उसको भी हमको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यदि इस फंड का हम रिटर्न यदि चेक करें तो आप देख सकते हैं कि एक साल में इसने 34.8% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में देख सकते हैं 16.93%, 5 ईयर्स में 15.9%, 10 ईयर्स में 17.74% का रिटर्न है। ये रिटर्न आप जो परसेंटेज में देख रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें 1% या फिर 0.5% का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको रिटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल आप यहाँ पे देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस फंड का एक रिटर्न क्या रहा है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है दोस्तों यही क्या करता है, NAV को बढ़ाने में मदद करता है। तो आपको मिनिमम 10 साल का रिटर्न देखना है और साथ में आपको CAGR सिंस इंसेप्शन देखना है। सिंस इंसेप्शन का मतलब हो गया कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने लगातार कितना परसेंट हर साल इन्वेस्टर को बना करके रिटर्न दिए हुए। तो आप देख सकते हैं कि 10 सालों में इसने 17.74% का रिटर्न हर साल इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है। वहीं पे CAGR 2013 से देख सकते हैं तो 16.58% का इसने हर साल रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, आपने परसेंटेज देखा, NAV देखा, व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू आपने देखी, लेकिन वो परसेंटेज निकल के कहाँ से आ रहा है, आपको ये ध्यान देना जरूरी है। आप जो भी पैसा अपना जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि वो पैसा आपका जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पे जो लोगों ने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट करा है उसका पैसा आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, और यदि आप भी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो आपका भी पैसा कुछ इसी तरीके से इन्वेस्ट होगा। ये परसेंटेज जो देख रहे हैं ये समय समय बदलता रहता है। तो यहाँ पे करेंट सिनारियो में देखा जाए 29 फरवरी 2024 का ये डाटा है, इक्विटी में 97% पैसा इन्वेस्टेड है, क्योंकि रिटर्न यदि चाहिए तो पैसा इक्विटी में जाएगा तभी रिटर्न निकल के आएगा, ठीक है। और डेप्ट में यहाँ पे माइनर सा इन्वेस्टमेंट है और अदर्स में भी माइनर सा इन्वेस्टमेंट है। अब इस 97% में
जैसे सेबी ने कहा कि 65% आपको इक्विटी में रखना है, लेकिन ये परसेंटेज सेबी ने पहले से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। तो फंड मैनेजर लार्ज कैप में 58% यहाँ मेंटेन कर रहा है, मिड कैप में 24% मेंटेन कर रहा है, स्मॉल कैप में 14% मेंटेन कर रहा है। अब इसके बाद लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा यहाँ पे जा रहा है, लेकिन कौन कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है, कौन कौन से कंपनी में पैसा जा रहा है, यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप देख कर, सोच कर और समझ कर अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर सके। किसी के बहकावे में आप ना आए, कोई भी चैनल के माध्यम से आपको कोई भी लालच देता है, कुछ भी करता है, तो आप उसको बहकावे में आप ना आए, फंड को अच्छे से समझें, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की आप डिसीजन लें। जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी सेक्टर में, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में 26% पैसा इन्वेस्ट किया गया, यानी इंडिया की जो इकॉनमी है ना वो फाइनेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि यदि बैंक्स वगैरह नहीं रहेंगे तो कैसे इकॉनमी चलेगी। तो 26% पैसा अदर्स में, एनर्जी में, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये सारे सेक्टर्स में पैसे को क्या किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। कि यदि कोई सेक्टर इसमें से अच्छा भी ना चले कुछ समय के लिए, बाकी सेक्टर अच्छे से चल रहे हैं, तो आपको रिटर्न पोर्टफोलियो में मिलता चला जाए। एक फायदा दोस्तों पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का ये भी होता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी रिस्क क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपके रिटर्न भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये फंड जो सेक्टर में गया है, सेक्टर में फिर कौन कौन से कंपनी में गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स मैंने नोट डाउन किया हुआ है। हालांकि ये जो फंड है इसका जो होल्डिंग से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ICICI बैंक में 7.39%, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, ये सारी कंपनियों में पैसे को क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। आई एम श्योर कि आप इन सब कंपनियों के बारे में जानते होंगे जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। तो आपका पैसा यदि इन कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों, तो क्या बुरा है, आपको तो रिटर्न आने वाले समय में देखने को तो मिलेगा ही। अब बात करते हैं कि इसमें फंड कितना इन्वेस्ट किया गया है, यानी AUM या फंड साइज 20,000 करोड़ का फंड यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। लगभग काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसमें पैसे को इन्वेस्ट किए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो 20,000 करोड़ रुपये है, इस पैसे को जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया है। तो इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर खर्चा लेता है आपसे, तो यहाँ पे 0.85% का खर्चा है जो आपको देना पड़ता है। और यदि आप इस फंड से एग्जिट मार रहे हैं 30 दिन के अंदर, तो आपको 0.1% का यहाँ पे एग्जिट लोड भी पे करना पड़ता है। इसके बाद इसमें आप मिनिमम 500 रुपये की SIP कर सकते हैं और लमसम आप 1,000 रुपये की आप यहाँ पे लमसम कर सकते हैं। फंड की एज देख लेते हैं, 11 साल 2 महीने की फंड की एज है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स, टैक्स के ऊपर पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप डिटेल्स में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, यदि आप 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 15% का टैक्स है, और 1 साल के बाद 1,00,000 के ऊपर यदि आपका गेन जाता है तो 10% का आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आपने ये पूरी एनालिसिस देखी, आप अब डिसीजन ले सकते हैं कि आप इसमें SIP कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपके लिए फ़ंड लायक है कि नहीं लायक है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें देखने के बाद डिसीजन लेना है। तो दोस्तों, यदि आप 500 रुपये महीने के SIP से शुरुआत इसमें करते हैं, जो कि मिनिमम अमाउंट मैंने आपको दिखाया था, तो आपका पैसा यहाँ पे कितना बन सकता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यदि आप 500 रुपये महीने की SIP करते हैं अगले 15 सालों के लिए, और यहाँ पे रेट हम 15% का लेके चल रहे हैं, आपने देखा इस फंड ने लगातार 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न पिछले 11 सालों में दिया है। लेकिन दोस्तों, हम आने वाले 15 साल के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेट को थोड़ा सा कम कर देंगे, 15% का लेके चलेंगे ऑन एन एवरेज। तो देख सकते हैं कि आपका अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 90,000 रुपये का होगा, और आप इसमें रिटर्न कमाएंगे 2,48,000 रुपये, आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो 3,38,000 रुपये आएगी। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि यदि आप इसको 15 के बजाय या 20 साल तक इसको खींच के ले जाते हैं, ठीक है, 5 साल और आपने खींच दिया, तो आपका अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ, 1,20,000 रुपये, और आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7,58,000 रुपये। इसमें जो है 6,38,000 सिर्फ आपका क्या है, रिटर्न है। देख सकते हैं 5 साल आपने वेट किया, पैसा क्या हो रहा है, दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों
यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और आप होल्ड कर लेते हैं, लेट सपोज़ कि आपने इसको 10 इयर्स और होल्ड कर लिया, 30 इयर्स आपने इसको छोड़ दिया। मैं यहाँ पे जैसे बात कर रहा हूँ कि आपकी एज कम है, मान लीजिए आप 20 साल के हैं और आप 500 रुपये महीने की SIP स्टार्ट कर देते हैं, तो अगले 30 सालों में यानी 50 की एज में आपको क्या वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा 1,80,000 रुपये, जो कि आपने शुरू में देखा था, और आपकी जो यहाँ पे रिटर्न बनेगी वो 33 लाख रुपये बनेगी, और टोटल वैल्यू यहाँ पे 35 लाख रुपये आपका कॉर्पस एक तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे रेयर लिखा हुआ है, ओनली 10% ऑफ इन्वेस्टर्स कैन डू इट, क्योंकि लोग पीछे ही छोड़ देते हैं, SIP से बाहर निकल जाते हैं। तो केवल ये तादाद 10% इन्वेस्टर्स की है जो इस प्रकार का जो लक्ष्य है, गोल है, उसको अचीव कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ये सीखने को ज़रूर मिला होगा कि कैसे फ़ंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अंधेरे में कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सब कुछ जाँच के समझ के तभी करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्त मित्र यार को ज़रूरतमंदों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।